हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा की रसोई में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर हमारे बनाए हुए चावल जो है वो बच जाते हैं, तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ और उन्हीं बचे हुए चावलों से हम चावल की कटलेट बनाने जा रहे हैं। आइए तो फिर हम चलते हैं आगे के प्रोसेसर में। सबसे पहले मैंने एक इसमें मीडियम साइज का अनियन ले लिया है, मीन्स प्याज ले लिया है, और ये हाफ मैंने इसमें गाजर ले लिए। इसके साथ ही मैंने हाफ इसमें जो शिमला मिर्च है उसको कट करके आधा ले लिया है, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा राइस नहीं है, थोड़े से ही बचे थे, मैं उसी की कटलेट बनाने चाह रही हूँ। साथ ही साथ हमने इसमें 2 टीस्पून बेसन लिया है, इसको अभी हम रोस्ट करेंगे, उसके बाद ही उन चावलों में मिक्स करके कटलेट बनाएंगे। तो जो गाजर है उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग प्याज को महीन कट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने जो प्याज है उसको बारीक कट कर लिया है, साथ ही साथ हमने शिमला मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है, एंड ये जो गाजर थी उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम आगे के प्रोसेसर में चलते हैं और जो हमारा ये बेसन हमने लिया था इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए गैस हमने ऑन कर लिया है, एंड हमने इसको पैन को इस पर रख लिया है। तो ये हमने 2 टीस्पून बेसन लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। एक्चुअली हम इसे रोस्ट इसलिए कर ले, जो कुछ लोग होते हैं उनकी कंप्लेंट होती है कि अगर हम कुछ भी कटलेट बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं तो जो बेसन होता है वो हमारा थोड़ा कच्चा रह जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उन लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा हो तो प्लीज आप थोड़ा सा बेसन को रोस्ट कर लें। इसे हम 2 से 3 मिनट इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होने के बाद क्या होता है कि बेसन जो है बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। इसको हाई फ्लेम पे आप इसी तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा। जैसे इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लग जाए आप गैस का फ्लेम जो है उसे बंद कर दीजिएगा एंड अपनी कटलेट में इसको मिला लीजिएगा। ये देखिए गाइस, हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। अब हम गैस का जो फ्लेम है उसे बंद कर देते हैं, ब्राउन हो गया है, एंड इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। आइए तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसमें चावल ले लेते हैं जो मेरे पास बचे हुए थे रात के। ये मैंने सिंपल मटर वाले चावल बनाए थे, आलू एंड सोयाबीन मिक्स करके, जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी मैंने वो सब मिक्स करके बनाए थे। एंड अब हम इसमें गाजर डाल देंगे जो भी हमने कद्दूकस करी थी, इसके साथ ही साथ ये शिमला मिर्च हमने जो बारीक पीसी थी वो, कटी हुई प्याज। आपको और कोई वेजिटेबल अगर इसमें मिक्स करनी हो तो आप कर सकते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, अभी जो बेसन हमने रोस्ट किया था वो मिक्स करेंगे, से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड हाफ इंच भर जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, हाफ इंच भर हल्दी। हल्दी और मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड नमक स्वाद अनुसार, जैसा कि ये जो चावल मैंने बनाए थे उसमें ऑलरेडी मैंने नमक डाला था, तो अगर आप ऐसे किसी चावल का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने पुलाव बनाया है, बहुत से लोग इसे तहेरी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मटर के चावल भी कहते हैं, तो इस तरीके का अगर आप कोई भी चावल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रहे कि नमक आपने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप इसमें नमक मिलाएं। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये किसी भी चावल का आप बना सकते हैं,
नॉर्मल जो हम चावल बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं। कोई अगर आपने जीरा राइस बनाए हैं उसका भी आप बना सकते हैं। तो इसको हम अच्छे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि हमारी जो कटलेट है वो इजीली बन जाए। अच्छे से मैश करेंगे तो अच्छे से ही सारे मसाले मिल जाएंगे, सारी सब्जियां भी मिल जाएगी और अच्छी तरीके से ये कटलेट इसकी बाइंड हो जाएगी। बहुत से लोग इसमें कॉर्नफ्लावर भी मिलाते हैं, अगर आपको बेसन नहीं मिलाना है तो आप वो मिला सकते हैं। इसको हमें तब तक मिलाना है जब तक इसका अच्छी तरीके से डो रेडी ना हो जाए। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी सब्जी आप ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके घर में एट अ टाइम अवेलेबल हो। हम इसका एक डो बना के रेडी कर लेंगे। या हम एक बार चेक कर लेंगे कि इससे हमारी जो कटलेट है वो बन पाएगी या नहीं। अगर नहीं तो हम इसे फिर से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए इस तरीके का आपको मतलब कि डो जो है आपका वो बनना चाहिए। शेप आप कोई भी दे सकते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही मैश करेंगे अच्छे से। देन एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। जिस तरीके से आप बॉइल्ड आलू होते हैं उसमें सब चीज मिक्स करके पराठे की स्टफिंग तैयार करते हैं, उसी तरीके से आपको ये डो बना के रेडी करना है। आइए तो अब हम आगे इसका इसकी कटलेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये चिपके ना, और उसके बाद हम इसकी कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको जिस भी साइज में या जितनी भी क्वांटिटी में लेना है वो आप लेके बना सकते हैं। अगर आपको छोटे साइज के बनाने हैं तो आप छोटे साइज के भी बना सकते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ, बना के साथ ही साथ इसको इस तरीके से ताकि साइड से ये फटे ना। कभी कभी क्या होता है कि इसमें हम लोग बीच में थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके एक मूंगफली भी रख देते हैं, वो जस्ट टेस्ट के लिए है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ बीच में कोई भी आप एक एक पीनट्स डाल के इसको रख सकते हैं, जस्ट डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से आप बीच में एक पीनट लगा दीजिएगा। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ बिकॉज मैं सब में नहीं लगा रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसको हम प्लेट में रख लेंगे। उसी तरीके से हम बाकी के डो भी लेते रहेंगे सेम साइज के और इसी तरीके से हम कटलेट बनाते हैं। ये देखिए गाइस हमारी जो कटलेट है वो हमने बना के प्लेट में रख ली है। अब हम चलते हैं। ये 50 ग्राम के आसपास मैंने मूंगफली ली है क्योंकि हम इसमें और भी इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए मूंगफली की कोटिंग करेंगे। तो इसको मैं पहले रोस्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए गाइस इसमें चटकने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारी जो मूंगफली है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो रही है। तो ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे, हमें ऐसे ही इसको हिलाते रहना है। जैसे ये गर्म हो जाए हमें गैस का फ्लेम जो है उसे बंद कर देना है एंड इसे दरदरा पीस लेना है। अब हम गैस का फ्लेम जो है उसे बंद कर देंगे एंड चलते हैं इसको कूटने के लिए। आप कूट लीजिएगा या मिक्सी में आप पीस सकते हैं। ये देखिए गाइस हमारी जो मूंगफली थी उसे रोस्ट करा था उसको हमने दरदरा पीस लिया है एंड अब हम इसको इसमें कोट करते हैं।
इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। साइड में रख देते हैं, फिर उसके बाद हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसको कोटिंग कर लिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं, जिस तरीके से ये सुंदर लग रहे हैं उसी तरीके से ये क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत टेस्टी स्नैक्स में आप यूज कर सकते हैं इसे। इसको हम साइड में रख देते हैं, जो हमने गैस है उसे ऑन कर लिया है एंड हम इसे चलते हैं आगे शैलो फ्राई करने। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट इसका जो टेस्ट है ना वो शैलो फ्राई में एक अलग ही अपना टेस्ट देता है। तो सबसे पहले हम 2 से 3 स्पून उसमें ऑयल डाल लेते हैं, इसको अच्छे से चारों तरफ लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने जो गैस का फ्लेम है उसे ऑन कर दिया है एंड इसमें ऑयल भी, अभी हमें बहुत ज़्यादा ऑयल इसका नहीं गर्म करना है, ठीक ठीक रखना है एंड गैस को हमें इसे मीडियम लो मीडियम पे ही शैलो फ्राई करना है। एंड अब हम हमारी जो कटलेट है वो इसमें देते हैं एक एक करके। मैं एक टाइम में 3 ही फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका पैन या जो भी बर्तन है वो बड़ा है साइज में, तो आप चाहें तो एक साथ सारे भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। अभी हम इसको एक साइड से तब तक पकने देंगे जब तक ये हल्का सा नीचे ब्राउन नहीं हो जाता, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। आइए हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए नीचे से थोड़ा ये पक रहे हैं, इसी तरीके से हम बाकी भी पलट लेते हैं। एंड हम इसे दोनों साइड से जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते उस स्टेज तक इसको पकाएंगे, तभी इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए गाइस, हमारे जो कटलेट है वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, शैलो फ्राई हो चुके हैं। आइए हम इनको एक प्लेट में उतार लेते हैं, उसी तरीके से हमारे जो बचे हुए कटलेट हैं उनको भी हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी जो चावल की कटलेट है वो बनके तैयार हो चुकी है खाने एंड सर्व करने के लिए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है मनीषा की रसोई, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।